ओके तो देखिए ये बाल लीला और कुंडली मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो यशोदा मैया के पास आते हैं और बलराम भैया की शिकायत करते हैं क्योंकि उन्हें चढ़ाया जाता है, इसलिए बार बार वो परेशान होकर अपनी मैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, कि हे माँ सुनो ना, ये जो दाऊ भैया हैं अर्थात बलराम भैया हैं मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं वो कि मूसो कहत मोल को लीन हो। और पता है माँ, बलराम भैया मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे खरीद कर लाई हो और कहते हैं कि तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है, ठीक है ना। और आगे की पंक्ति कि कहा कहो इहिरिस के मारे खेलन को नहीं जात। और ये सारी बातें बताने के पश्चात वो क्रोधित हो जाते हैं और खेलने नहीं जाते हैं, ठीक है। आगे की पंक्ति में वो कह रहे हैं कि पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौ है तेरोता। और पता है यशोदा माँ, यानी यशोदा मैया से वो कहते हैं श्री कृष्ण कि पता है माँ, बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, और मुझे इस बात से गुस्सा आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चार पंक्ति सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है देन रेज योर हैंड। ये चार पंक्ति जो मैंने समझाई, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो एक बार, नहीं प्लीज डोंट प्रॉम्प्ट, जस्ट रेज योर हैंड। यहाँ पे जितने बच्चे हैं उतना अगर हैंड रेज हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग समझ गए हैं, ओके। और मैं 10 मिनट रखूंगा लास्ट के 10 मिनट्स ताकि आप लोग भी अपने प्रश्न रख सकें, और कहीं से भी कोई प्रश्न करेंगे बाल लीला से तो मैं आपका उत्तर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए बताइए क्या सब लोग समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं देन रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। अच्छा वाह, अच्छा यहाँ पर अभिनव है, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट, ओके। आप लोग एक काम करिए, खुद को म्यूट रखिए। सौरभ राजभूषण, इससे परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। जब आपको कुछ पूछना होगा तो मैं आपके प्रश्न जरूर लूंगा, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पर मानसी प्रिया है और प्रिशा है, सागर है, सार्थक है और उज्जवल कांत है। अगर आप लोग समझ गए हो तो आप हाथ उठा दीजिए, ओके। यहाँ पर बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं तो ये मैं समझ गया हूँ कि काफी लोग समझ गए हैं, और जिनको भी परेशानी होगी तो मैं उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा तो आगे की पंक्ति में हम देखते हैं, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम सरी। अब देखिए आगे की पंक्ति में श्री कृष्ण जो हैं वो यशोदा मैया से कहते हैं कि पता है माँ मुझे क्या बोलकर चिढ़ाते हैं बलराम भैया, यानी दाऊ भैया, यानी दाऊ भैया ही बलराम भैया हैं। तो वो कहते हैं कि जानती हो माँ, मुझे ना बार बार मुझसे बोलते हैं कि मेरे जो मतलब नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, फिर मैं क्यों काला हूं। मुझसे बार बार ये प्रश्न किया जाता है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी, यानी वो कहते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी, यानी नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, फिर मैं कैसे सांवला हूं। और आगे की पंक्ति में वो कहते हैं श्री कृष्ण, चुटकी दय दय हसत ग्वाल सब, चुटकी दय दय हसत ग्वाल सब, सीख देत बल भी। अब सुनिए श्री कृष्ण जो है बाल स्वरूप जो उनका है, छोटे से बच्चे हैं वो, और अपनी माँ के पास जाके कहते हैं कि पता है जितने भी ग्वाल वाल हैं वो भी इन सारी बातों को पूछ कर मेरा मजाक उड़ाते हैं, बार बार मुझसे वो भी पूछते हैं जिस तरह से बलराम भैया पूछते हैं। और पता है उन्हें कौन सिखा रहा है ऐसा करने के लिए? ऐसा करने के लिए बलराम भैया सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। उसके बाद आगे की पंक्ति में यशोदा मैया इन सारी घटनाओं को सुनने के बाद
ठीक है ना। उसके बाद आगे की पंक्ति में श्री कृष्ण एक और पंक्ति जोड़ते, वो कहते हैं तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कब हुन कीजे। अब श्री कृष्ण देखिए उनका बाल स्वरूप, एक छोटा सा बच्चा किस तरह से शिकायत करता है अपनी माँ के पास जाकर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, बस तू तो मुझे मारना सीखी है और कभी भी बलराम भैया पर क्रोधित भी नहीं होती है, ठीक है ना। अब इन सारी बातों को सुनने के पश्चात यशोदा मैया को हंसी तो आती है पर वो हंस नहीं पाती है, क्योंकि छोटा सा बच्चा है और उसके जो बोलने का जो लहजा है वो इतना बढ़िया और आकर्षक है कि उसे वो सुनकर काफी ज्यादा आकर्षित होती हैं और मन ही मन उनके हाव भाव को देखकर काफी मुस्कुराती हैं, परंतु उनके सामने वो हंस नहीं पाती है, मन ही मन मुस्कुराती है, ठीक है ना। अब वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि अगर वो मन ही मन नहीं मुस्कुराती तो श्री कृष्ण को बुरा लग जाता है, छोटे बच्चे को भी बुरा लगता है कि मैं यहाँ पर शिकायत लेकर आया हूँ और मेरी माँ मेरे पे हंस रही है। तो इसीलिए वो हंसती नहीं है, मन ही मन मुस्कुराती है। और क्यों मुस्कुराती है जरा देखिएगा, वो कहते हैं कि मोहन को मुकुर समेत लखी। सुधा जी कह रहे हैं कि मोहन को मुखर समेत लखी, जसुमती मन महिरीज है। यानी श्री कृष्ण के बाल स्वरूप वाले गुस्से वाले चेहरे को देखकर, ठीक है ना, श्री कृष्ण के बाल, श्री कृष्ण के क्रोध से भरे हुए उस मुखड़े को देखकर यशोदा मैया मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, ठीक है ना। और आगे कहती हैं, अब यहाँ पर अंतिम की दो पंक्तियां जो हैं वह यशोदा मैया श्री कृष्ण से कहती हैं। अब क्या कहती हैं जरा सुनिए, सुनह कान्हा बलभद्र चबाई, सुनह कान्हा बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। अब वो कहते हैं कि एक कान्हा, यानी यशोदा मैया कह रही है अब श्री कृष्ण से कि सुनो कान्हा बलभद्र चबाई, यानी बलराम जो है वह चुगलखोर है। क्या है? चुगलखोर है। वो कहते हैं कि सुनो कान्हा बलभद्र जो है, यानी बलराम जो है वो चुगलखोर है, जन्मत ही को धूत, और जन्म से ही चालाक है, ठीक है ना। धूत मतलब चालाक होता है। तो सुनो कान्हा बलभद्र जो है, यानी बलराम जो है वो क्या है, चुगलखोर है और जन्म से ही चालाक है। और अब अंतिम की पंक्तियों में सूरदास जी यशोदा मैया के माध्यम से कहते हैं कि सूर श्याम मोही गोधन की सो, सूर श्याम मोही गोधन की सो, हाँ माता तू पूत मैया मोही दाऊ बहुत के जा। सूरदास जी यशोदा मैया के माध्यम से कहते हैं कि यशोदा मैया गैया की सौगंध लेकर दी है कि हे श्री कृष्ण सुनो, मैं ये गैया की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। हाँ माता तू पूत, यानी मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो अब मैंने ऊपर से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप लोगों को समझा दिया। अब मैं आप लोगों से एक सबसे पहले तो मैं